भवन निर्माण विभाग एक पार्टी विशेष के नेता से मिली भगत करके और साठ गांठ करके साजिश करके दूसरी पार्टी को यह कार्यालय आवंटित कर दिया था। चिराग पासवान कल एक भवन निर्माण विभाग का एक जेई आता है चिट्ठी लेकर और साथ में मीडिया का वहां गेट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का यहां अवैध कब्जा है, अभी एक सप्ताह के अंदर खाली कर दे नहीं तो बलपूर्वक खाली कराया जाएगा। भवन निर्माण विभाग का सेक्रेटरी, मंत्री, ज्वाइंट सेक्रेटरी, सारे पदाधिकारी के नाक के नीचे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय 2021 से 2024 आज 4 साल होने को है, चल रहा है, इतना साल में उनको अवैध कब्जा दिखाई नहीं दिया। हमको कहने में इस बात का कोई परहेज भी नहीं है आपको कि जनता दल के कद्दावर मंत्री का भी इसमें मिली भगत है, उन्हीं का दबाव है। सत्य परेशान हो सकता है और सत्य पराजित नहीं हो सकता। पटना एयरपोर्ट के पास जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का दफ्तर है उसे खाली कराने का नोटिस दिया गया है। अगर 7 दिनों के अंदर पशुपति पारस ये दफ्तर खाली नहीं करते हैं तो पुलिस जबरन इसको खाली करवाएगी। आपको बता दें कुछ महीनों पहले भी इन्हें नोटिस दिया गया था खाली करने को, लेकिन ये दफ्तर को खाली नहीं किया गया। पुलिस का कहना है, दिखा दीजिए जो एयरपोर्ट के पास जो ऑफिस है, इस ऑफिस को पुलिस जो है 7 दिनों के अंदर अगर ये लोग खाली नहीं करते हैं तो जबरदस्ती खाली किया जाएगा। बिहार सरकार की ओर से साल 2004 में इसे लोक जनशक्ति पार्टी को आवंटित किया गया था, उसके बाद से यहाँ जो है लोजपा का दफ्तर चलाया जा रहा था। लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी पार्टी में टूट हो गई। पशुपति पारस की गुट वाली रालोजपा ने पटना के विलर रोड स्थित इस दफ्तर पर अपना कब्जा जमा लिया। तब से यहां जो है पशुपति पारस की पार्टी का दफ्तर चलता है। और हालांकि कुछ महीने पहले जो है बिहार के भवन निर्माण विभाग की ओर से इस दफ्तर को खाली कराने के लिए कहा गया था। विभाग का कहना है कि सरकारी आवास के आवंटन को हर साल रिन्यू कराना होता है, मगर इस आवास का साल 2021 के बाद से नवीनीकरण नहीं कराया गया। ऐसे में विभाग ने यह बंगला पारस के भतीजे चिराग पासवान के गुट वाली पार्टी लोजपा रामविलास को आवंटित कर दिया। अब सरकार इस भवन को खाली करवाने की कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि अगर 7 दिनों के अंदर पशुपति पारस इस दफ्तर को खाली नहीं करते हैं तो जो पुलिस है वो जबरदस्ती इस दफ्तर को उनसे खाली करवाएगी। यहाँ मौजूद जो प्रवक्ता है उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे किस पे उनका क्या स्टैंड है। आप लोगों को तो नोटिस दे दिया गया सर 7 दिनों के अंदर खाली करवा। नहीं नहीं, नोटिस निरंतरता में विगत 3 महीनों से भवन निर्माण विभाग द्वारा हम लोगों को नोटिस दिया जा रहा है और भवन निर्माण विभाग के हर नोटिस का हम लोग जवाब दे रहे हैं। जो पहला नोटिस भवन निर्माण विभाग ने दिया था और नोटिस देने के बाद भवन निर्माण विभाग एक पार्टी विशेष के नेता से मिली भगत करके और साठ गांठ करके साजिश करके 2 दिनों बाद जुलाई महीने में ही, ये अक्टूबर का महीना है, जुलाई माह में ही भवन निर्माण विभाग ने एक षड्यंत्र के तहत दूसरी पार्टी को यह कार्यालय आवंटित कर दिया था, चिराग पासवान की पार्टी। हम किसी का अब नाम नहीं लेना चाहते और किसी का नाम लेकर हम उचित भी नहीं समझते, आप जिनका नाम ले रहे हैं। तो उसके बाद भवन निर्माण विभाग ने जब दूसरी पार्टी को आवंटित कर दिया तो हम लोग और हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के पक्षकार उच्च न्यायालय का हम लोगों ने दरवाज़ा हमारी पार्टी ने खटखटाया। उच्च न्यायालय में हम लोग गए, उच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधीश ने हम लोग का पक्ष सुना, पक्ष जाना, भवन निर्माण विभाग के अधिवक्ता भी और महाधिवक्ता सरकार के, उन्होंने अपनी भी दलील दी, हम लोगों ने भी अपना पक्ष रखा और माननीय न्यायाधीश महोदय ने हमारी पार्टी से, हमारे पक्षकार से, हमारे अधिवक्ता से पूछा कि आपका आवंटन रद्द कर दिया गया है, कोई खाली कराने का नोटिस, क्योंकि हमने स्टे, हमारी पार्टी ने न्यायालय से स्टे मांगा तो माननीय न्यायालय ने कहा कि अभी स्टे आप क्यों चाह रहे हैं, आपको तो खाली कराने का कोई नोटिस आया नहीं है, आपको तो खाली करने के लिए कहा नहीं गया है। हमारे अधिवक्ता ने कहा नहीं, तो सुनवाई चली, भवन निर्माण विभाग से भी जवाब मांगा गया माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, उनको 6 हफ्ते का समय दिया गया। अब मामला अभी तक न्यायालय में पेंडिंग है, न्यायालय में ही है। कल ना जाने दुर्भावना से पूरी तरह से प्री प्लानिंग हो गई,
और पूरी तरह से दुर्भावना से ग्रसित होकर, राजनीति से ग्रसित होकर एक पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में, और हमको कहने में इस बात का कोई परहेज भी नहीं है आपको कि जनता दल के कद्दावर मंत्री का भी इसमें मिलीभगत है, उन्हीं का दबाव है। तो क्यों वो लोग ऐसा कर रहे हैं? आप ना जाने, आप जान लीजिए, बिहार सरकार का गाइडलाइन कहता है, राज्य सरकार का गाइडलाइन कहता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गाइडलाइन कहता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन कहता है कि जिसको भी बिहार सरकार ने आज से 15-20 वर्ष पहले एक गाइडलाइन बनाया था कि जिसको भी स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त है बिहार में, उसको पार्टी पटना में राज्य कार्यालय चलाने के लिए भवन निर्माण विभाग एक भवन उपलब्ध कराएगी। और लंबे समय से हम लोग यहाँ पार्टी संचालित कर रहे हैं। पहले तो लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय चलता था, लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से यह भवन आवंटित था, लेकिन 2021 में हमारे दल के संस्थापक, जिन्होंने 24 वर्ष पूर्व दल की स्थापना की थी 28 नवंबर को 2000 ईस्वी में, जब 2020 में हमारे दल के संस्थापक आदरणीय नेता हमारे रामविलास पासवान का असामयिक निधन हुआ, उसके बाद जो दल में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हुआ, दल में लोकतांत्रिक सिस्टम को कुचलने की कुछ ताकतों के द्वारा कोशिश हुई, और हमारे पार्टी के पांचों सांसदों के द्वारा, उस समय जो दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे 2021 में, उनके द्वारा पांचों सांसदों को पार्टी से निकाल दिया गया, पार्टी दो भागों में बट गई, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी का मूल नाम और लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह सीज कर लिया गया, हमको राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का नाम दिया गया और सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया, और यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन निर्धारित किया कि जब तक लोक जनशक्ति पार्टी का विवाद और बंगला जो सिंबल है उसका विवाद का निष्पादन नहीं हो जाता, दोनों पार्टियों को स्टेट पार्टी का में भी दर्जा मिलता रहेगा, जो आज तक हमको प्राप्त है। आज भी हम स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त रखते हैं। इस माह भी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जितनी भी बैठकें होती हैं, सब बैठकों में हमारे कार्यालय प्रभारी जाते हैं, हमारे नेता जाते हैं, जो निर्वाचन की प्रक्रिया में जो बैठकें बुलाई जाती है भाग लेने के लिए। तो और एक और देख लीजिए, 2021 में हमने भवन निर्माण विभाग को लिखा लगातार, 2021 के बाद 22 में लिखा, 23 में लिखा कि पार्टी दो धड़ों में बट गई है, लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से जो आवंटन है उसको रद्द करते हुए हम अब यहाँ से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय संचालित कर रहे हैं, इसका नवीकरण करते हुए, क्योंकि उस समय एक बिहार सरकार का एक गाइडलाइन था कि जितनी भी राज्य कार्यालय पटना में चलती हैं स्टेट पार्टियाँ की या नेशनल पार्टियों की, हर दो साल में उसको रेन्यूअल कराना पड़ता था। तो हमने भवन निर्माण विभाग को लिखा कि इसको रेन्यूअल करते हुए, जो भाड़ा बकाया है उसका विपत्र देते हुए, इसका नवीकरण राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से किया जाए। ये लगातार पत्राचार चलता रहा। 2021 से आज 2024 से अक्टूबर का महीना है, 3.5 साल तक भवन निर्माण विभाग कान में तेल डालकर सोया रहा, और कल एक चिट्ठी भेजता है भवन निर्माण विभाग का, एक जेई आता है चिट्ठी लेकर, और साथ में मीडिया का वहाँ गेट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जेई भवन निर्माण विभाग का, ज्वाइंट सेक्रेटरी कोई है भवन निर्माण विभाग का, उसका आदेश लेके आता है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का यहाँ अवैध कब्जा है, अभी एक सप्ताह के अंदर खाली कर दे, नहीं तो बलपूर्वक खाली कराया जाएगा। अब देख लीजिए, भवन निर्माण विभाग का सेक्रेटरी, मंत्री, ज्वाइंट सेक्रेटरी, सारे पदाधिकारी के नाक के नीचे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय। 2021 से 2024 आज 4 साल होने को है, चल रहा है, इतना साल में उनको अवैध कब्जा दिखाई नहीं दिया, हमने लगातार पत्राचार करते रहा, गाइडलाइन कानून का हवाला दिया, न्याय संगत नियमों का हवाला दिया, कान में तेल डाल के सोए रहा, और आज एक ना जाने किस हड़बड़ी में हमने कहा, हमने यह भी अपील किया, इधर जो लगातार 3 महीनों से पत्राचार होते आ रहा है, हमने 4 दिन पहले भी लिखा
एक सप्ताह पहले भी लिखा कि न्यायालय का सम्मान सबको करना चाहिए, न्यायालय का सम्मान हम भी करते हैं, न्यायालय का सम्मान आप भी करते हैं, न्यायालय का सम्मान देश में सब करता है। अंतिम निर्णय, कोई विवाद होता है तो अंतिम निर्णय न्यायालय का होता है। तो हमने कहा कि न्यायालय का फैसला आ जाने दीजिए, इतना हड़बड़ी क्यों है, 10-5 दिनों में न्यायालय का फैसला आ जाएगा। न्यायालय का फैसला यदि हमारे पक्ष में आता है तो ठीक, यदि हमारे विपक्ष में भी आता है तो हम सिरोधार्ज करके एक क्षण में पार्टी कार्यालय खाली कर देंगे। लेकिन अब क्या करेंगे, 7 दिनों का टाइम दिया गया, 1 दिन तो खत्म भी हो गई। देखिए, सत्य परेशान हो सकता है और सत्य पराजित नहीं हो सकता। बलपूर्वक खाली कराने नहीं, बलपूर्वक हमने कल माननीय मुख्यमंत्री, न्यायप्रिय मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह किया है, सारे अखबारों में प्रमुखता से, सारे चैनलों में खबर छपी भी है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी न्याय के साथ विकास के लिए जाने जाते हैं। उनको हमने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए कि भवन निर्माण विभाग के भ्रष्ट पदाधिकारी, भ्रष्ट अफसर, एक विशेष पार्टी के नेता से मिली भगत करके, या जो गुंडागर्दी पे उतरे हुए हैं, तानाशाही पे उतरे हुए हैं, मतलब ये एक हठधर्मिता कहिए, तो इसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया है। और हम लोग कल हमने माननीय उच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधीश से भी कहा है कि जल्द से जल्द आजकल में इसको सुना जाए, क्योंकि इस तरह का भवन निर्माण विभाग के द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा है, एक तरफा फैसला लिया जा रहा है, कहीं न कहीं भवन निर्माण विभाग कहीं न कहीं किसी साजिश में, किसी कॉन्स्परेसी में भवन निर्माण विभाग के पदाधिकारी संलिप्त है, तो इसको जल्द से जल्द हमारे वकील ने प्रेक किया है कि इसको सुना जाए, और निश्चित रूप से हमको विश्वास है सोमवार मंगल तक इसमें फैसला माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आ जाएगा। आपके पक्ष में आएगी, हमने कहा ना सत्य परेशान नहीं हो सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं होती है, होता है अंतिम में सत्य की ही जीत होती है, सत्यमेव जयते। हमारे लोग पूर्वजों ने कहा है सत्यमेव जयते, तो सत्य की निश्चित रूप से हमको विश्वास है, हमारे पार्टी के लोगों को विश्वास है। इस पार्टी कार्यालय में रामविलास पासवान जी की आत्मा बसती है, रामविलास पासवान के अनुयायियों, प्रशंसकों, उनके शुभचिंतकों, देश के दलितों, बिहार के दलितों, बिहार के पिछड़ों, वंचित, शोषित, पीड़ित समाज के तबकों की, मतलब यहाँ विचारधारा की आत्मा बसती है। और 1990 से पशुपति कुमार पारस जी इस आवास में रह रहे हैं, आवंटी के रूप में, लंबे समय तक वह मंत्री के रूप में इस आवास में रहे 1990 से, फिर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में रहे, लंबे समय से हम लोग यहाँ से पशुपति कुमार पारस जी बिहार का पार्टी की गतिविधि संचालित कर रहे हैं। आदरणीय हमारे नेता रामविलास पासवान जी के जीवन के अनेक पहलू इस पार्टी कार्यालय से जुड़ी हुई है, तो निश्चित रूप से हमको निश्चित रूप से पूरा विश्वास है कि जीत सत्य की होगी, फैसला हमारे पक्ष में आएगा। अचानक से फैसला लिया गया, आखिरी सवाल है, क्या लग रहा है, किसी के दबाव में ये फैसला लिया गया? मैंने कहा ना निश्चित रूप से इतनी हड़बड़ी क्यों है, इतनी है क्योंकि भवन निर्माण विभाग को पता है, वह लोग, क्योंकि भवन निर्माण विभाग को पता है कि 10 दिन 20 दिन और खींचा गया न्यायालय में तो फैसला, क्योंकि हम लोग लिखतम के आगे वक्तम कुछ नहीं होता है ना, यह नहीं है कि खाता न बही और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो कहे वही सही या भवन निर्माण विभाग जो कहे वही सही, तो जो लिखित है दस्तावेज में, साक्ष में, कानूनी रूप से, लीगल रूप से हमारे पार्टी का पक्ष मजबूत है, न्यायालय इसको देख रहा है, उच्च न्यायालय में मामला है, भवन निर्माण विभाग के निरंकुश भ्रष्ट पदाधिकारी को यह लगता था कि इन लोग को स्टे मिल जाएगा, तो जिनके दबाव में है, जिनके प्रेशर में है, एक कद्दावर मंत्री का इसमें रोल है, हाथ है, पूरा उनका कॉन्स्परेसी है, तो उन लोग को विश्वास है कि जल्दी से खाली करा दो और फैसला आएगा, स्टे आएगा तब उससे पहले खाली करा के सामान उमान फेंक दो। लेकिन राज्य की जनता देख रही है, बिहार की जनता देख रही है, न्यायप्रिय
बिहार की जनता और माननीय उच्च न्यायालय में फैसला है, निश्चित रूप से देखिएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, रिजल्ट राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पक्ष में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आपने सुना उन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी जो ये बंगला है वो पशुपति पारस का है, जो कि नोटिस दिया गया 7 दिनों के अंदर में खाली करने का, नहीं तो इसे जो है बलपूर्वक खाली कराया जाएगा। आपको बता दें चिराग पासवान को ये जो बंगला है वो आवंटित किया गया है। अब देखना ये होगा कि उच्च न्यायालय क्या फैसला देती है। बाकी आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।